अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 है, जिसका पार्ट बी चल रहा है। आज हम इसका क्वेश्चन 5 to 7 करेंगे। तो चार क्वेश्चंस में इसके सॉल्व करवा चुका हूँ और ए पार्ट भी कर चुका हूँ इसका, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लें उसे। तो बी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, यानी सम मालूम करना है। ये रकम आपके सामने मौजूद है 5.4 लिखते जाते हैं, क्योंकि हमने सम करना है इसका। तो ये 4.5 है, फिर है हमारे पास 5.7 भी, फिर है प्लस ये 3.2 सी। अब दूसरी रकम हमारे पास ये है 3.5 ए के नीचे रखेंगे, ए की रकम ए के नीचे, बी की रकम बी के नीचे, सी की रकम सी के नीचे, 1. प्लस है 1.3 बी। फिर क्या है हमारे पास लास्ट में 2.8 सी। अब हमने क्या करना है, इसको सम करना है यानी जमा करना है। तो बेस सेम रहता है और देखें ये बेस बेस है तो ये सेम रहा, तो अब ये जमा हो जाएंगे। 5 and 5 कितना हो गया 10 हो गया, 10 का 0 हासिल 1, 1 इसके ऊपर जाएगा तो पॉइंट की पॉइंट देंगे, और ये हो गया 5, 5 और 3 8, 8.0 ए प्लस। अब यहाँ बी का बी रहेगा और 3 और 7 कितने हो गए, ये हो गया 10 हासिल 1, 1 इस तरफ जाएगा तो ये पॉइंट की पॉइंट लगाएंगे, 6, 6 और 1 7, 7.0 बी एंड प्लस। यहाँ सी का सी रहेगा बेस, 2 and 8 10 हो गया हासिल 1, पॉइंट की पॉइंट देंगे तो 1 and 3 4, 4 and 2 ये हो गया 6। तो इस 0 को अगर हटाएं हम, क्योंकि ये 8.0 का मतलब 8 ही है, तो इसको हम कर लेते हैं ये 8a प्लस 7b एंड प्लस 6c, तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी तीन, अब तीन रकमें हैं, पहले ये 2 रकमें थी, अब यहाँ पे 3 रकमें हैं, तो करते हैं इसे। तो ये 1.7a है, फिर है हमारे पास 3.2b, फिर है प्लस 4.9c, ये हमने पहली रकम कामा तक लिख ली सारी। अब दूसरी रकम है ए ए के नीचे आएगा, बी बी के नीचे, सी सी के नीचे, जिस तरह हम ये क्वेश्चन 5 किया है। तो ये 4.3 है प्लस, फिर 3.2 भी है, 3.2 एंड बी, फिर 3.1 सी। अब तीसरी रकम है, तीसरी फिर नीचे स्टेप आएगा, 6.0 है, 6.0 ए प्लस 9.6 बी, 9.6 बी प्लस 3.0 सी। अब हमने इस रकम को जमा करना है, तो ये हमारे पास देखें 7 और 3 हो गया 10, और 10 का 0 हासिल 1, इस तरफ आएगा 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, ए का ए रहेगा प्लस, यहाँ देखें 2, 2 4, 4 और 6 10 हासिल 1, पॉइंट के पॉइंट देंगे यहाँ पे, तो 4, 4 और 3 9, 9 और 9 18। अब ये बी प्लस, ये 1 इधर, 4, 4 7, 7 और 9 ये हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो अब यहाँ पे प्लस दिया, अब ये सी का सी रहेगा और 9 और 1 ये हो गया 0, ये पॉइंट ऊपर चली जाएगी, तो ये हो गया 5, 5, 3, 8, 8 and 3, 11, 11 सी। तो बस ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अगर इसे हटा दें, 0 हटा दो, तो ये हो जाएगा 12a, क्योंकि ये 12.0a का मतलब 12 ही है, तो 0 देने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट को हटा दें आप, ये हो जाएगा 16b
एंड प्लस ये हो जाएगा 11C। तो बस ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी तीन रकमें हैं, पहले एक रकम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 6A प्लस 11B एंड प्लस 10C, फिर 13A ए के नीचे प्लस 9B, बी के नीचे आएगा प्लस ए 5C, तो ये सी के नीचे रखेंगे। फिर हमारे पास 8A इस तरफ एंड प्लस 7B, बी के नीचे प्लस 12C, ये सी के नीचे आएगा। अब हमने इसको जमा करना है, तो 6 और 13 19 19 और 8 27, ये 27A हो गया, और ये 11 और 9 20 20 और 7 27, ये 27B, ये 27A 27B एंड प्लस 10 10 और 5 15 और 12 27, तो सबका 27 आ जाएगा, 27A 27B 27C। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था आज का ये पार्ट जिसमें हमने 5 से 7 क्वेश्चन किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।